purpose of his speech today is, the purpose of the project is for the member to introduce themselves to the club and learn the basic structure of a public speech. So I wish him very good luck. Thank you, Madam President. Thank you so much. You're welcome. Good luck. क्या आपने बचपन में अपनी पॉकेट मनी से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके कोई खिलौना खरीदा है? इमरान भाई बताएंगे, क्या खरीदा आपने? बहुत सारी चीजें खरीदा। पहला खिलौना कौन सा खरीदा? पिस्टल। बैठ जाएं। बैठ जाएं। वेल, बहुत अच्छे। सो मैंने भी खरीदा, लेकिन एक बैट। मैं बहुत एक्साइटेड था। सो माई फेलो टोस्ट मास्टर्स एंड गेस्ट ऑनलाइन, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। आप इमेजिन करें एक ऐसा बच्चा जो सेल्फ कंटेंट इतना है कि वो अपने खिलौने भी खुद खरीदता है, अपनी फैमिली को नहीं कहता। सुस्त इतना है कि बाल छोटे छोटे रखता है ताकि सुबह स्कूल जाते वक्त बनाने ना पड़े। अगर शाय की बात करें तो शर्मीला इतना है कि अजनबी लड़की से तो छोड़ो, अजनबी लड़के से बात करने से घबराता है। और अगर भुलक्कड़ की बात करें तो इतना कि स्कूल से छुट्टी के बाद शहर से गांव आते वक्त किसी दरख्त के नीचे छांव में थोड़ी देर के लिए आराम के लिए बैठ जाए, और उसके बाद जब घर पहुंचे तो अम्मा ने कहा, है हाय तुम्हारा बैग कहाँ है, तो पता चला वो तो भूल आया। रिश्तेदारों ने कहा कि भाई इसका बनेगा क्या, और वैसे सोचा मैंने भी कि मेरा बनेगा क्या। वक्त गुजरता गया, मैंने मैट्रिक की, और इम्तहानों के बाद मेरे वालिदे मोहतरम ने मुझे कराची बुला लिया। जी हाँ, वो कराची में ज़राए मुआश के लिए वहीं पर मुकीम थे काफ़ी अरसा से। सो हम छुट्टियों में जाया करते थे। इस बार उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मैं कुछ समझदार हो चुका था, मैट्रिक कर चुका था। सो मैंने ये सोचा कि अब मुझे जानना चाहिए कि आखिर मेरे वालिद साहब करते क्या हैं, क्योंकि वो तो कराची में रहते थे, मैं पंजाब में गाँव में रहता था, और वो पैसे भेज देते थे, हमारा गुजर बसर चल रहा था, तो हमें तो पता ही नहीं था वो करते क्या हैं। इसी असना में मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त से हुई जिसका नाम था जुगनू। जुगनू पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे डांस का बहुत शौक था। वो माइकल जैक्सन को कॉपी करता था, और यही चीज मुझे फैसिनेट करती थी। जल्द ही हमारी दोस्ती हो गई। ये दोस्ती आगे बढ़ रही थी, लेकिन चूंकि मेरे इम्तिहान ख़त्म हुए थे तो मुझे वापस भी जाना था पंजाब। लेकिन मैंने वालिद साहब से मैंने ज़िद की कि मुझे आप बताएं कि आप क्या करते हैं, मुझे भी साथ लेके चलें शॉप के ऊपर। सो मेरी ज़िद के बाद एक दिन वो मान गए और मुझे साथ ले गए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो एक स्क्रैप यार्ड था, और मैंने देखा कि वो बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं। उनकी ये सख्त मेहनत देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं आगे तो नहीं पढ़ सकता, दिस इज़ द एंड ऑफ माई एजुकेशन। क्योंकि जब मुझे ये एहसास हुआ कि इतनी सख्त मेहनत करके वो अकेले घर चला रहे हैं, मैं एक जवान बेटा हूँ, मेरे होते हुए अगर उनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, सो नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। सो ये बात मैंने उनसे की, वो नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं आप पढ़ोगे। मेरे बार बार इसरार करने के बाद आखिरकार वो मान गए कि भाई तुम चाहते क्या हो। मैंने कहा मैं काम करना चाहता हूँ, आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा चलें ठीक है, वो मान गए। उसी शाम को मैं खुश था काफ़ी ऑलरेडी, डबल खुशी तब हुई जब मुझे जुगनू की कॉल आई, हाँ भाई राणा किधर है? भाई मैं घर पे लेटा हूँ। अबे यार आज इवेंट है और तू सो रहा है, जल्दी आ जा। अच्छा ठीक है। मुझे बड़ा शौक था, चकाचौंध, रोशनियाँ, बहुत सारे लोग और इवेंट्स। हम वहाँ पहुँचे फुली ड्रेस होके, बाबू बनके, और जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि इवेंट थोड़ा सा लेट है। पूछा कि भाई इवेंट क्यों लेट है,
तो पता चला कि होस्ट साहब तशरीफ़ नहीं लाए। हम चुपचाप बैठे रहे, आ जाएगा भाई थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। थोड़ी देर में देखा तो जुगनू घबराया हुआ मेरी तरफ आया, भाई तेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ गई है। मैंने कहा क्या, करना क्या है? तुम होस्ट हो। मैंने कहा क्या, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया, मैं ये नहीं कर सकता। मेरी टांगें कपकपा रही थी, लेकिन उसने कहा तुम ही करोगे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और स्टेज पर ले गया, माइक दिया और कहा कि फलां आदमी की अनाउंसमेंट कर दो। मैं स्टेज पर खड़ा था, टांगें कपकपा रही थी, लेकिन मैंने हौसला किया और ये शेर कहा, जिंदगी के हर मोड़ पे सुनहरी यादों का एहसास रहने दो, दिल में सुरूर ज़िबां पे मिठास रहने दो, और जीने का यही फलसफा है कासिम, न रहो खुद उदास और न किसी को उदास रहने दो। ये शेर कहने के बाद जब मैं स्टेज से नीचे उतरा तो ना मैं शर्मीला था, ना मैं वो लड़का था तो जो सेल्फ कंटेंट था, मैं अपनी तमाम तर आदतें बदल चुका था, लेकिन हाँ आज भी मैं अपने खिलौने खुद खरीदता हूँ। शुक्रिया।